अक्सर सड़क हादसों के चलते कई लोगों के परिवार के सदस्य उनसे छिन जाते हैं। बीकानेर से भी ऐसी एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे जिले में गम का माहौल बना हुआ है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे में दुख जताया है और ट्वीट कर परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दरअसल श्री डंगूरगढ़ के आडसर में रहने वाले महावीर प्रसादी माली के बड़े बेटे लालचंद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसे परिवार के लोगों ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया था। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद परिवार के सदस्य कार में बैठकर लालचंद का हालचाल जानने के लिए पीबीएम अस्पताल में जा रहे थे। रायसर गांव के पास जैसे ही लालचंद का परिवार पहुंचा, तभी सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी और कार में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लालचंद की पत्नी मैना, भाई हरि प्रसाद की पत्नी गायत्री, हरि प्रसाद का बेटा अतुल और दूसरे भाई किशोर की पत्नी सविता की इस हादसे में मारे गए। जब अस्पताल में भर्ती लालचंद को हादसे की जानकारी मिली तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से सभी शवों को बाहर निकलवाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद जब परिवार के पांच सदस्यों के शव उनके घर पहुंचे तो परिवार के सदस्यों के आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। एक ही परिवार के पांच सदस्यों की अर्थी जब एक साथ उठी तो हर किसी का दिल पसीज उठा। अंतिम संस्कार के दौरान भी शमशान घाट में सन्नाटा था, कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। सिसकियां ही कई बार चित्कार में बदल रही थी। बहरहाल इस सड़क हादसे में बोलेरो चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।